Hey guys, welcome back to another video. स्वागत है आपका इस चैनल पे और आज हमारे साथ है Vivo V20 जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। और अगर आपको एक अच्छे सा डिवाइस चाहिए, अच्छी एमोलेड स्क्रीन चाहिए और अगर आपको आपकी किडनीज नहीं बेचनी है आईफोन के लिए, तो ये डिवाइस आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। तो बात करेंगे आज इस डिवाइस के बारे में और अनबॉक्सिंग करेंगे इसको, देखते हैं क्या मिलता है हमें कुछ स्पेसिफिक और क्या सबसे बढ़िया चीज है इसमें जिससे आपको इसको खरीदना चाहिए। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, थैंक यू सो मच टू पटेल मोबाइल वर्ल्ड, थैंक यू सो मच टू विजय भाई जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी उनकी दुकान में वीडियो शूट करने के लिए। और अगर आप चाहते हो किसी भी स्मार्टफोन को खरीदना और अगर आप वेट नहीं करना चाहते हो ऑनलाइन 2 या 3 दिन के लिए, पटेल मोबाइल वर्ल्ड में आइए और यहाँ से डिवाइस, कोई भी डिवाइस खरीदिए, आपको डेफिनेटली तुरंत ही डिवाइस मिल जाएगा। सपोर्ट अस। और अगर आपको चाहिए एड्रेस और जो भी है, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड ऑल, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लीजिए। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट नाउ। तो इस डिवाइस की खास बात ये है कि इसकी जो कैमरा AI है वो काफ़ी बढ़िया है, एक यूनिकनेस लेकर आया है इस बार। आपको बहुत सारे फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे, तो अगर आप एक कैमरा एडिक्ट हैं, बहुत सारे मतलब इसमें फीचर्स चाहते हैं, तो आपको ये डिवाइस लेना चाहिए। बात करेंगे अभी इसके कैमरा के फीचर्स के बारे में थोड़ी ही देर में, लेकिन अगर इस डिवाइस में आप परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपको मिलेगी 8GB की रैम एंड 128GB की स्टोरेज वाला वेरियंट है, जो मिलेगा आपको 25,000 अप्रॉक्स रुपीज़ में। और अगर आप इससे ज़्यादा बढ़िया वेरियंट लेना चाहते हो तो आपको 256GB वेरियंट मिलेगा, वो आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 28,000 रुपीज़ में। चलिए तो अनबॉक्स करते हैं इस डिवाइस को और देखते हैं क्या मिलता है इस डिवाइस में। अनबॉक्सिंग करने पर आपको मिलती है बुकलेट और वीवो का केस, तो आपको एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद डिवाइस आपको मिलता है एज यू कैन सी हियर। फिर उसके बाद कुछ चीजें हैं, एक्सेसरीज हैं। आपको मिलता है 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर जो डेफिनेटली आपके डिवाइस को जल्द से जल्द चार्ज करने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलते हैं ईयरफोन्स जो आजकल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं किसी स्मार्टफोन के साथ में, तो ये एक बेनिफिशियल चीज है भैया। फोन की सबसे बढ़िया बात में से एक मुझे लगी है इसका हेडफोन जैक और USB Type-C। डेफिनेटली USB Type-C काफी आते ही अभी स्मार्टफोन्स में, लेकिन हेडफोन जैक्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो आपको मिलता है हेडफोन जैक। तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है डिवाइस में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक की, तो लुक के मामले में बहुत अच्छा लगा मुझे, ये स्लिम है। इसकी मटेरियल की बात करें तो ये ऐसा मटेरियल बनाया गया है कि आपके फिंगरप्रिंट स्मजेस काफी कम देखने को मिलेंगे, ये रेजिस्ट करता है उन सारी चीजों को। कैमरा की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिलता है और साथ ही साथ कुछ कैमराज दिए हुए हैं डेप्थ सेंसिंग के लिए और वो सब बुकाई इफेक्ट के लिए, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाला है इसमें, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन का 765 प्रोसेसर है जो डेफिनेटली एक स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए इनफ है। रैम की बात करें तो 8GB की रैम मिलती है आपको, 128GB स्टोरेज मिलती है एंड 4500mAh की बैटरी मिलती है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए इसका तो काफी बढ़िया है, इनफ है प्राइस के हिसाब से, डेफिनेटली इनफ है। तो यूजर इंटरफेस यहाँ पर थोड़ा सा स्मूथ होने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीन यहाँ पर आपको मिलती है 6.5 इंच की एमोलेड स्क्रीन जो काफी बढ़िया होती है कलर्स के मामले में। अगर आप चाहते हैं एक बढ़िया सी स्क्रीन कलर क्वालिटी के मामले में, साथ ही साथ शार्पनेस के मामले में, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसके कैमरास के कुछ अमेजिंग फीचर्स की। तो आप यहाँ पर अगर फोटोज क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है AI इमेज मैटिंग, जो बहुत ही अमेजिंग कूल फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्काई जो है, अगर मुझे उसको कुछ चेंजेस लाने हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, तो मैं मतलब इस तरीके से सिलेक्ट करके फिर ऑप्शंस में जाके, मतलब अगर उसका फिल्टर चेंज करना है तो मैं ये रख सकता हूँ, काफी अमेजिंग लगता है। अगर इसके दूसरे फीचर्स की बात करें तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब उसके साथ छेड़खानी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। सपोज दिस इज माय पिक्चर, अगर मुझे उसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है तो मैं बना सकता हूँ। मुझे उसको दूसरी जगह पे ले जाना है, उसकी कॉपी करनी है, तो कॉपी करके मैं मेरी दूसरी पिक्चर भी रख सकता हूँ और उसको मैं जूम भी कर सकता हूँ, पिक्चर को बड़ी भी कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। और अगर मुझे फ्लिप करना है तो यहाँ पर मैं फ्लिप भी कर सकता हूँ इमेज को, जैसा चाहे आप वैसा इमेज को रख सकते हैं। सिर्फ इमेज नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं और अगर आपको इमेज अच्छी नहीं लगती है तो आप उसको हटा भी सकते हैं कुछ इस तरीके से। दूसरे फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है आई फोकस फीचर, जो आप कहीं भी हो, कहीं पे भी घूम रहे हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये ज्यादा फोकस आपकी आई पे करेगा। इफ यू वॉन्ट टू फोकस ऑन राइट आई तो ये आपकी राइट आई पे फोकस करेगा, अगर आपको लेफ्ट आई पे फोकस करना है तो लेफ्ट आई पे फोकस करेगा। आपको सिर्फ यहाँ पर जाकर ऑप्शन में जाकर आपको सिलेक्ट करना है, तो डेफिनेटली वो उस हिसाब से काम करेगा, जो बढ़िया बात है। दूसरी इस कैमरा की खास बात ये है कि यहाँ पर आपको स्मार्ट जूम मिलता है, तो अगर आप किसी चीज पे जूम करना चाहते हैं, वो ज्यादा हिल रही है, अगर वो ऑब्जेक्ट ज्यादा हिल रहा है लेकिन आप उस पर ही फोकस करना चाहते हो, तो इस स्मार्ट जूम को आप ऑन कर लो और कहीं पे भी जाओ, आपका ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो उस पर ज्यादा फोकस करेगा, तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है, ये एक नई चीज है
वीवो काफी ज्यादा फोकस करता है अपने कैमराज पे। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डुअल वीडियो शूटिंग के लिए। क्या होता है यहाँ पर कि आप फ्रंट कैमरा रियर कैमरा दोनों से वीडियो शूट कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। एक आप कुछ इस तरीके से फोकस कर सकते हो, इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके रियर कैमरा का ऑब्जेक्ट सामने है, थोड़ा सा दूर है, तो आप उसको जूम करके भी कुछ इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ये हाई कह रहे हैं, वो मेरे अंकल है और सामने वाला मेरा दोस्त है। तीसरे ऑप्शन में आप रियर कैमरा से ही शूट कर सकते हो, लेकिन एक लेंस जूम करके ऑब्जेक्ट पे फोकस करेगा और दूसरा जो लेंस है वो पूरे एरिया को कवर करेगा, तो आपको एक यूनिक वीडियो क्वालिटी मिलती है। अगर आपको जानना है इसके बारे में ज्यादा पर्टिकुलरली कैमराज के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं जितने भी फीचर्स हैं सारे कवर करने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में आपके लिए, सिर्फ इसी डिवाइस के बारे में। अगर आपको चाहिए एक बेहतरीन डिस्प्ले जो कि इसमें है एमोलेड स्क्रीन, जिसमें आपको कलर्स काफी बढ़िया मिलने वाले हैं, और अगर आप कैमरा में काफी बढ़िया फीचर्स देखना चाहते हैं और क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है इसकी, डेफिनेटली प्राइस के हिसाब से अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि वीवो और ओप्पो ज़्यादा फोकस करते हैं इसकी क्वालिटी पे। तो कैमरा की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, फ्रंट में है 44 मेगापिक्सल कैमरा और रियर में है 65 मेगापिक्सल कैमरा, और दूसरे भी कैमराज हैं जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं इस डिवाइस के बारे में ज़्यादा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको और भी इसके बारे में डिटेल्स दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आप देखना चाहते हो और भी ज़्यादा वीडियोस नए नए स्मार्टफोन्स के बारे में, क्योंकि हमारे पास पूरी दुकान है यहाँ पे, आप देख ही सकते हो। राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।